हेलो गाइस, वेलकम टू प्लेंटी फैक्ट्स। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे तमिलनाडु की सबसे बड़ा शहर, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई के बारे में, और राजस्थान की सबसे बड़ा शहर और राजस्थान की कैपिटल जयपुर के बारे में, और जानेंगे दोनों ही सिटी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और दोनों ही सिटी में क्या क्या टूरिस्ट प्लेसेस मौजूद हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं जयपुर के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जयपुर यानी कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान। जयपुर में काफी सारे टूरिस्ट प्लेसेस मौजूद है, और इस वजह से जयपुर में घूमने के लिए पूरी दुनिया भर से टूरिस्ट लोग आते हैं। और जयपुर भारत का फर्स्ट प्लान सिटी भी है। जयपुर शहर 467 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और 2019 में जयपुर की कुल आबादी लगभग 39 लाख के आसपास है। देश की राजधानी न्यू दिल्ली से सिर्फ 250 किलोमीटर दूरी पर स्थित है जयपुर। जयपुर में जंतर मंतर और आमेर फोर्ट जैसा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मौजूद है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि पिंक कलर को हॉस्पिटैलिटी का कलर भी माना जाता है। प्रिंस ऑफ एडवर्ड जब 1876 में जयपुर आए थे, तभी राजाराम सिंह ने उनके स्वागत के लिए शहर का ज़्यादातर दुकान और मकान पिंक कलर में कन्वर्ट कर दिया था। कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर रीडर्स वाइज सर्वे के अनुसार, जयपुर एशिया में घूमने के लिए 7th बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है, और 2015 में ट्रिप एडवाइजर के दौरान जयपुर को इंडिया में बेस्ट ट्रैवलर चॉइस अवार्ड से भी नवाजा गया था। जयपुर के राज पैलेस होटल CNN के अकॉर्डिंग दुनिया के मोस्ट एक्सपेंसिव होटल में से एक है, जहाँ पे पर नाइट आपको $50,000 यानी इंडियन वैल्यू में 34 लाख चार्ज की जाती है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के लिए भी काफ़ी फेमस है, और जयपुर की लिटरेचर फेस्टिवल दुनिया का सबसे बड़ा फ्री लिटरेचर फेस्टिवल भी है। जयपुर में राजस्थानी, हिंदी, इंग्लिश और मारवाड़ी बोली जाने वाली मुख्य भाषा है। जयपुर में सिर्फ हिस्ट्रिकल आर्किटेक्चर ही नहीं, साथ ही काफ़ी सारे मॉडर्न आर्किटेक्चर भी देखा जा सकता है। जयपुर के जवाहर सर्कल एशिया के सबसे बड़ा सर्कुलर पार्क है। जयपुर के हवा महल 18th सेंचुरी की एक लाजवाब आर्किटेक्चर है, और इस महल में 953 खिड़कियाँ मौजूद है। जयपुर में जेहरात और मिट्टी से बना हुआ सामान काफ़ी फेमस है, और तो और जयपुर के अलावा पूरी दुनिया में ऐसा सामान नहीं नजर आते हैं। इंडिया में टूरिस्ट के लिए गोल्डन ट्रायंगल माना जाता है जयपुर, आगरा और दिल्ली को। जयपुर में हर साल एलिफेंट फेस्टिवल का भी आयोजित की जाती है, और काफ़ी धूमधाम से ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और घूमर जयपुर की सबसे फेमस फोक डांस स्टाइल है। नॉर्थ वेस्टर्न जोन इंडियन रेलवे की हेडक्वार्टर है जयपुर। 2015 में ही जयपुर में मेट्रो रेल सर्विस चालू किया गया है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का 11th मोस्ट बिजी एयरपोर्ट है, और इस एयरपोर्ट को 2 to 5 million पर एनम कैटेगरी के हिसाब से वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने। तो दोस्तों, ये थी जयपुर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो अब हम जानेंगे जयपुर और जयपुर के आसपास में घूमने लायक कुछ अच्छे जगह, कुछ फेमस प्लेसेस जहाँ पे आपको जरूर एक बार विजिट करना चाहिए, जैसा हवा महल, एल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जंतर मंतर, आमिर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, सिटी पैलेस, गलताजी टेम्पल, जल महल, बिरला टेम्पल, रामबाग पैलेस, छिछोरिया रानी गार्डन, सेंट्रल पार्क, जयगढ़ फोर्ट, जयपुर जू, अनोखी म्यूजियम ऑफ हैंड पेंटिंग, जवाहर काला केंद्र, सांगासोली टावर, चौकी धनी, कनक वृंदावन, एलिफेंट स्टिक। इसके अलावा जयपुर में और भी काफ़ी सारे टूरिस्ट प्लेसेस मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये थी जयपुर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और जयपुर के आसपास में घूमने लायक कुछ अच्छे जगह, कुछ फेमस प्लेसेस। तो अब हम बात करेंगे चेन्नई के बारे में। चेन्नई तमिलनाडु की सबसे बड़ा शहर है, और चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल सिटी भी है।
चेन्नई शहर बे ऑफ बंगाल के कोरोमंडल कोस्ट में स्थित है और इस शहर को साउथ इंडिया का सबसे बड़ा कल्चरल और इकोनॉमिक हब भी कहा जाता है। चेन्नई को पहले मद्रास नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ साउथ एशिया, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, इंडियाज हेल्थ कैपिटल, सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स और बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। चेन्नई शहर 426 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया 1189 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 2019 में चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया की कुल आबादी लगभग 1,10,00,000 के आसपास है। लॉनली प्लानेट के अकॉर्डिंग चेन्नई दुनिया के 9th बेस्ट कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और 2017 में चेन्नई को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भी शामिल किया गया है। चेन्नई को ऑटोमोबाइल हब ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि भारत के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के 40% ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चेन्नई में ही मौजूद है। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन यानी कॉरपोरेशन ऑफ मद्रास ये भारत के सबसे पुराना और दुनिया का दूसरा सबसे पुराना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से चेन्नई पूरी वर्ल्ड में फर्स्टेड ग्रोइंग सिटी की लिस्ट में टॉप 10 पे आते हैं। चेन्नई में वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज भी अवेलेबल है और इस शहर में 45% विदेशी पर्यटक सिर्फ हेल्थ पर्पज से ही आते हैं। इनकॉरेस हाउस ऑफ हिरंदनी 45 फ्लोर्स के साथ चेन्नई की सबसे ऊंची इमारत है। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट एंड सेंटर फॉर हार्पेटोलॉजी एशिया के एकमात्र क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है। चेन्नई से ही भारत में वाईफाई की शुरुआत हुई थी और भारत का सबसे पुराना जेल सेंट्रल प्रिजन जेल इसी शहर में मौजूद है। चेन्नई के गुंडी में स्थित कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग देश की सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। मद्रास हाईकोर्ट बिल्डिंग दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जुडिशियल बिल्डिंग है। भारत में पहली बार के लिए बैचलर डिग्री कोर्स में म्यूजिक का इंट्रोड्यूस मद्रास यूनिवर्सिटी ने ही किया था। भारत का सबसे पुराना शॉपिंग मॉल स्पेंसर प्लाजा चेन्नई में ही बनाया गया था। चेन्नई भारत में एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पे सेकेंड ऑर्डर के टाइम भी अटैक किया गया था। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का 4th मोस्ट बिजी एयरपोर्ट है और ये शहर साउथर्न रेलवे का हेडक्वार्टर भी है। 2007 में चेन्नई में मेट्रो रेल चलाने की प्लानिंग की गई थी और 2015 में चेन्नई में मेट्रो रेल चालू हुआ है। चेन्नई कोयम्बेडू सीएमबीटी बस टर्मिनल एशिया के सबसे बड़ा बस टर्मिनल है। चेन्नई पोर्ट बे ऑफ बंगाल के लार्जेस्ट सी पोर्ट है और ये भारत का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल सी पोर्ट भी है। भारत के सबसे पुराना हॉस्पिटल और एशिया के सबसे पुराना आई हॉस्पिटल इसी शहर में मौजूद है। चेन्नई की मेरीना बीच इंडियाज लॉन्गेस्ट सी बीच है। तो दोस्तों ये थी चेन्नई के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो अब हम जानेंगे चेन्नई और चेन्नई के आसपास में घूमने लायक कुछ अच्छे जगह, कुछ फेमस प्लेसेस जहाँ पे आपको जरूर एक बार विजिट करना चाहिए। जैसा मेरीना बीच, महाबलीपुरम टेम्पल, फोर्ट एसटी जॉर्ज, अरिकनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, एमजीएम डीजी ओल्ड, गुइंडी नेशनल पार्क एंड स्नेक पार्क, बेल्लनकानी श्रेणी, रायापुरम फिशिंग हार्बर, मद्रास क्रोकोडाइल ट्रस्ट बैंक, थाउजेंड लाइट मस्को, कपिलेश्वर टेम्पल, इलियट्स बीच, एमजीआर मेमोरियल, श्री पथसरथी टेम्पल, बल्लूबर कट्टम, मद्रास और सेमेट्री, बिरला प्लानिटेरियम, सेंट थॉमस आर्च, नेट्टुकुप्पम, चोलामंडल आर्टिस्ट विलेज, विवेकानंद हाउस, गवर्नमेंट म्यूजियम। तो दोस्तों ये थी चेन्नई के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और चेन्नई के आसपास में घूमने लायक कुछ अच्छी जगह, कुछ फेमस प्लेसेस। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से जयपुर और चेन्नई के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला है। अगर वीडियो अच्छा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।
दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।